It was my dream since 15, 16 years in my life that I wanted to work with her. How sweet. मुझे लगता है सारी दीवियाँ ऐसे overprotective भी होंगी. अच्छे काम आ रहे हैं. मैंने कहा आप मुझे जल्दी बताइए, अगर मैं नेगेटिव हूं तो मुझे शूट पे जाना है, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो आइसोलेशन में जाना है, तो फुटेज मत खाइए. फाइनली थैंकफुली शी फेल इन माय किटी, यू नो. ये प्यार मोहब्बत तक ठीक है, बट इतना भी प्यार मत करो कि आदमी का दम घुट जाए. विटामिन ले लो Today on Spotboy, we have Rajesh Kumar and Sucheta Khanna joining us directly live from Excuse Me Madam set. Guys, how's the shooting going on? Superb, very well. Pandemic mein shoot karne ka irada, matlab bahut himmat lagi hogi decision lene ke liye. Kaise liya decision ki shoot karenge hum? Jaise essential services ke liye hum precautions lete hain. And it's all okay because everything is well taken care of. The production is har nook and corner pe sanitizers hai, masks available hai. Baki hum khud bhi thode intelligent hai, toh hum manage kar rahe. वैसे आप राजेश खुद कोरोना वॉरियर साबित हुए हैं. शूट किया, कोरोना ने इन्फेक्ट भी किया, लेकिन उससे लड़कर वापस से ठीक होकर आप आए. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? I'm feeling much relaxed now कि अभी कम से कम जब तक एंटीबॉडी है शरीर में तब तक तो मैं आजाद हो गया, तो वो स्ट्रेस नहीं है. रोज सुबह घर से निकलते वक्त ये स्ट्रेस नहीं होता है कि अरे यार अगर गलती से कोरोना हो गया तो क्या करेंगे. अब तो ये है कि अब नहीं, अब होगा भी तो मतलब नहीं होगा यार, कुछ समय के लिए तो नहीं है. वैसे राजू जब फर्स्ट टाइम सॉरी नहीं वैसे हम काफी डरे हुए हैं. डर तो रहता ही है, बट आई थिंक दिस होल कोरोना इज नॉट मोर, आई मीन लेस अबाउट फियर एंड मोर अबाउट फिटनेस. राइट, दैट इफ यू केयर हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई थिंक मतलब अफेक्टेड नहीं होगा आदमी. वैसे राजेश, फर्स्ट टाइम जब आपको पता चला कि आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं, यू नो, हाउ डिड यू लर्न अबाउट इट एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो कि ओ एक्चुअली द वायरस हैज रीच टू माय बॉडी? इनफैक्ट डॉक्टर ज्यादा पैनिक हुआ था मुझसे. अच्छा, ओके. या बिकॉज़ द वे ही टोल्ड मी दैट आप आराम से बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने कहा आप मुझे जल्दी बताइए, अगर मैं नेगेटिव हूं तो मुझे शूट पे जाना है, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो आइसोलेशन में जाना है, तो फुटेज मत खाइए. तो ऐसा कुछ नहीं, देयर वाज नो फियर यार, बिकॉज़ देयर वर थिंग्स व्हिच आई वाज सपोज्ड टू डू व्हेन यू नो गॉट टू नो दैट आई एम पॉजिटिव. ओके, तो आकी घर में लोग हैं वो थोड़े से यू नो सतर्क हो जाएं एंड बिफोर आई रीच होम एटलीस्ट एवरीथिंग इज मैनेज्ड. तो अच्छा रहा, मतलब नॉट अ बैड एक्सपीरियंस. इनफैक्ट कोरोना टॉट मी लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, दैट taste or smell jab chala gaya, so it's like, you know, what is filth and what is flower, for me the whole world was same. Yeah. Okay. But it's like God's grace, he's fine and we are working, we're back. Yeah. On the sets, it's really, we were all very happy that he's recovered soon. Absolutely, we are also very happy. And but you know, few of the media reports were claiming that aapke jo co-stars the wo thoda paranoid ho gaye the aapke sath shoot karne ke liye. Aisa tha kya? गवाह है कि कोई नहीं हुआ. बिल्कुल नहीं, इट इज ऑल, इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल. वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पेंडेमिक गोइंग ऑन, ऐसा कुछ नहीं है. एंड जो रिक्वायर्ड टेस्ट वगैरह थे हम सबके किए जा रहे थे, सो वी नन ऑफ अस पैनिक्ड. एंड यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, एज राजेश सेड, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर है यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल कॉल्स. इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज़ द होल वर्ल्ड इज इन, आई मीन वी आर, ऐसा नहीं है कि टेलीविजन इंडस्ट्री को छोड़ दिया है. इनफैक्ट जब पहले we got to know, I mean, when we got to know that Amit Ji and Abhishek Bachchan, yeah, and you know, Aishwarya Rai and all those people, they got infected. So, मैंने वही बोला था कि यार ये जब फिल्म वालों को हो रहा है तो टीवी वालों को भी होगा. Absolutely. Okay. But, so mentally prepared हो गए थे आप, ये आप basically कहना चाहते हैं कि mentally prepared थे कि ये पहुंचेगा हम तक भी. Exactly, because उसके लिए preparation पिछले 6 महीने से चल ही रहा था, physical preparation 6 महीने से चल रहा था,
जहाँ पे आप यू नो हर तरह का काढ़ा और योग प्रैक्टिस और ब्रीदिंग प्रैक्टिस एंड योर यू नो एवरीथिंग वाज ऑन सो दैट जब आपको हिट करे तो वो पेरिफेरी पे ही आपको टच करके चला जाए जो कि हुआ भी वही राइट राइट कमिंग बैक टू योर शो एक्सक्यूज मी मैडम आप लोग ऑलरेडी लोगों को लाफ्टर राइट पे लेके जा चुके हैं सुचेता ये बताइए आपको पर्सनली कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं इतनी ओवर प्रोटेक्टिव बीवी शायद ही किसी ने देखी होगी वेल सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए मुझे लगता है सारी बीवियां ऐसी ओवर प्रोटेक्टिव ही होंगी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं बट नो लाइक वेरी सीरियसली स्पीकिंग पीपल हैव लव्ड माय कैरेक्टर दे फाउंड मी स्वीट क्यूट ऐसे काफी अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं सो इट मेक्स मी फील गुड एटलीस्ट द फर्स्ट एपिसोड लाइक Now the pain is gone. Now we just have to play bat, full batting shuru karni hai. Rajesh, what kind of compliments would you like to give to a baby like her, jo itna zyada protect karke chalna chahti hai apne husband ko? So if we talk about two people here, one about Suchita. First, I want to speak about that. It was my dream since 15, 16 years in my life that I wanted to work with her. Is it? Okay. Yeah. Because I had been a very, not very vocal about it, but I had been a very secret admirer of her work throughout the year. So sweet. Especially from Shubh Mangal Savdhan days. And it was my, this thing that, you know, because aap screen pe dekhte ho to aapko lagta hai ki aap bhi jis tarah ke actor ho, agar aapke performance ko koi enhance karega, compliment karega, so you need such an actor with you, you know. Finally, thankfully, she fell in my kitty. You know, dream came true. As far as the wife goes, definitely I would not like to have such a wife. Ki pyar mohabbat tak theek hai, but itna bhi pyar mat karogi, aadmi ka dam ghut jaye. Vitamin le lo. वैसे आपने कहा कि आप पिछले 15 सालों से चाहते थे इनके साथ काम करना बट एज फार एज आई नो आप दोनों एक शो में रह चुके हैं साथ लेकिन एज अ कॉम्पिटिटर्स उस शो का जिक्र अगर करना चाहें क्या था वो शो और किस तरीके का कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन था आप दोनों के बीच आई हैव अ वेरी फेंट मेमोरी ऑफ दोज डेज बिकॉज वी वर सो मच एनग्रॉस्ड इन आवरसेल्फ दैट इंटरेक्शन जो था वो सिर्फ हाय हेलो तक और कॉम्पिटिशन के लेवल में था बट डेफिनेटली मतलब वो मैंने इसका नंबर भी जो सेव किया हुआ था अपने मोबाइल पे वो सुचिता कॉमेडी सर्कस से ही सेव किया हुआ था सो हमने एक्चुअली दो रियलिटी शोज एक साथ किए वही कॉमेडी रियलिटी शोज व्हिच वर कॉम्पिटिटिव और हम हमेशा अलग टीम में रहे तो वैसे एक साथ काम नहीं किया बट फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग एंड आई फाइंड हिम एन एक्सेप्शनली नेचुरल एक्टर एंड इट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स माय परफॉर्मेंस एंड इट्स ग्रेस आई एम हैप्पी तो मतलब एवरीथिंग वो जो ब्लॉक में फिक्स होना होता है ना तो आई थिंक एंड दैट इज व्हाई यू पीपल लव्ड द फर्स्ट एपिसोड एंड यू नो एग्जैक्टली फ्लोटेड इन वैसे मैडम आज मिसिंग है आप दोनों के साथ बट आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट हर यू नो व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन यू थ्री हैव बिल्ट आई नो इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस बट कितना मजा आ रहा है आप तीनों को एक साथ शूट करके और किस तरीके की बॉन्डिंग अब तक बन चुकी है I'll say first. मेरी तो उनके साथ शूटिंग ही नहीं हुई है मतलब शूटिंग मतलब एज एन ऑन स्क्रीन स्पेस वैसे बिकॉज हमारे सीन्स अलग 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 ही है घर वाले मेरे सीन्स है ऑफिस वाले उनके सीन्स है बट एज अ पर्सन आई फाउंड हर अ वेरी स्वीट गर्ल शी इज वेरी स्वीट शी इज वेरी स्पोर्टिंग और मतलब जो भी मैंने थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है I've just met her 3-4 times, but मुझे अच्छी लगी है मतलब ऐसा है कि ऑन स्क्रीन जो भी हो लेकिन ऑफ स्क्रीन मैडम अच्छी लगती है आपको मुझे आयरा अच्छी लगती है यू नो आई आल्सो गॉट टू नो द इनफैक्ट 2-3 डेज बैक दैट शी इज रैंक्ड 14th इन द मोस्ट डिजायरेबल वुमन या रियली वंडरफुल तो मैंने कहा यार ये सब मेरे ही नसीब में आ रहे हैं क्या बट व्हाटएवर आई हैव डन आई मीन आई हैव बीन डूइंग scenes with her she's as Suchita she's very sporting in the sense ki the best part about her being an actor is that there is no inhibition right you know koi waisa aapko waisa feel nahi hota hai that ki are yaar bahut difficult hai samne wala but she is
so much like us. In fact, everyone is like each other, yaar. I think we all are like-minded people sitting together.